साल 2022 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने और तेजस्वी यादव को दोबारा बिहार के डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। लेकिन इस बार भी उनका ये कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा, क्योंकि 2024 की शुरुआत में ही नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश के बार बार ऐसे पलटी मारने से उन्हीं का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इससे फायदा तेजस्वी का ही हो रहा है। तेजस्वी ने 2020 की चुनावी कैंपेन में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नीतीश के साथ सरकार बनाने के लिए जब तेजस्वी आए तो सरकारी नौकरियां देनी शुरू भी कर दी थी। जानकार भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी का कद बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई तो इसका क्रेडिट तेजस्वी ले गए। इसी के आधार पर इंडिया अलायंस देश में जातियों की गिनती करवाने की बात कहता है। तेजस्वी लगातार सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति की बहस का मुद्दा भी बना। इसीलिए इस बार आरजेडी की कैंपेन का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। आरजेडी के हर पोस्टर, झंडे और सोशल मीडिया के हर फ्रेम में तेजस्वी ही हैं। लालू यादव के परिवार के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं तेज प्रताप यादव, जिन्हें तेजू भैया भी कहा जाता है। तेज प्रताप यादव लालू के परिवार की सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि तेज प्रताप पिता की राजनीतिक विरासत पर अपना पहला हक मानते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी और परिवार में तेजस्वी के कद से तेज प्रताप खुश नहीं रहते हैं, इसीलिए वो कई बार परिवार से नाराज भी हो जाते हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी तेज प्रताप यादव की निष्क्रियता चर्चा का विषय है। और इसकी पूरी वजह यह है कि लालू यादव ने अपना राजनीतिक वारिस बड़े के बजाय छोटे बेटे तेजस्वी को ही चुना।